ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में मेगन मार्कल शामिल नहीं होंगी और इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। दरअसल 9 अप्रैल को प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार 17 अप्रैल को होगा। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि मेगन मार्कल प्रिंस हैरी के दादा यानी कि प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगी। हालांकि ब्रिटेन का शाही परिवार पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है। मेगन मार्कल ने एक इंटरव्यू में शाही परिवार को लेकर कई खुलासे किए थे, लेकिन मेगन के अंतिम संस्कार में शामिल ना होने की वजह शाही परिवार के विवाद नहीं है। दरअसल मेगन मार्कल दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि वो किसी भी तरह की यात्रा ना करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बकिंगम पैलेस के प्रवक्ता ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया कि मेगन के फिजिशियंस ने उन्हें यात्रा ना करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मेगन एक बेटी को जन्म देने वाली हैं और इसका खुलासा उन्होंने ओपरा विन्फ्रे को दिए एक इंटरव्यू में किया था। वहीं हार्पर्स बाजार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि मेगन ने प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में प्रिंस हैरी के साथ जाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपने फिजिशियन से मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि प्रिंस फिलिप के निधन के बाद शुक्रवार को प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग 1921 से 2021 की प्यार भरी याद में आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, आपको बहुत याद किया जाएगा। पिछले दिनों जब ओपरा को मेगन और प्रिंस हैरी ने इंटरव्यू दिया था तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। मेगन ने इस इंटरव्यू में उन दिनों को याद किया था जब वो पैलेस में रहा करती थी। इस इंटरव्यू में मेगन ने कई आरोप शाही परिवार पर लगाए थे। उन्होंने ये तक बताया था कि शाही घराने में उनके बेटे आर्ची के रंग को लेकर काफी बातें हुआ करती थी। मेगन ने कहा था कि उन्हें पैलेस में एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलता था, वो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। मेगन द्वारा ये इंटरव्यू उस समय दिया गया था जब वो और हैरी शाही परिवार का हिस्सा नहीं थे। 2 साल पहले मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने शाही परिवार को छोड़ दिया था और एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।